सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास नाइन्थ की यूनिट सेकंड पे डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यूनिट सेकंड में क्या रहेगा, सबसे पहले हम विचार करते हैं वेरिएबल क्या हुआ। द वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाई एनी लेटर्स। वेरिएबल को कोई लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड ई टी सी, यानी ऐसे कोई भी लेटर हो सकता है। एंड इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, और इनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। जब कोई भी रियल वैल्यू होगी तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप ऑन चेंजिंग, यानी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के बाद आता है कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट रिमेन द सेम, यानी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट डू नॉट चेंज, कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी हम जो भी नंबर लिखते हैं 3 √5 1.7 3/7 etc, यानी जो भी हम न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखते हैं वो सारे कॉन्स्टेंट है। इसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। चार मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिक, प्लस माइनस गुणा और भाग, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद आता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, व्हेन दीज कॉन्स्टेंट यानी कॉन्स्टेंट वेरिएबल आर कंबाइंड विद द मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जब हम कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइंड करके लिख देते हैं तो हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x² + √3xy + y² y + 1/y e, 3√x + √x 1/x² + 1/x + 5, ये सारे आपके एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या है। सेकंड चैप्टर ही हमारा पॉलिनोमियल है, लेकिन इससे पहले विद्यार्थियों आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना ज़रूरी था, और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने के लिए वेरिएबल कॉन्स्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के डिस्कस करना भी कंपलसरी था। तो देखिए आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल क्या होगा। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आता है पॉलिनोमियल। द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ओनली होल नंबर। एक्सपोनेंट कह दें या पावर, एक ही बात है विद्यार्थियों, यानी जिसके अंदर वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होगी तो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल आर ओनली होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको बताएंगे इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। जैसे देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ पे पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यानी ये होल नंबर में आता है तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर है वो 2 है तो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे हमने बात की थी वेरिएबल की पावर, विद द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर ही देखेंगे सिर्फ। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, रूट ये टी दिया है, इसका मतलब टी की पावर 1/2 है, और 1/2 वेरिएबल में नहीं आता है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ भी देखिए, जैसे इसको लिखे y प्लस का 2/y दिया है, इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाती है, ये भी आपका होल नंबर में नहीं आता है तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे पावर 3 10 3 50 दिए, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, और ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। तो विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न ये पुट होता है विच आर पॉलिनोमियल और नोट, तो आप एक ही बात देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखिए। यदि वेरिएबल की पावर है वो आपकी होल नंबर है तो आपका पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक तो टर्म के बेस पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगा और एक होगा पावर के बेस पर। तो पहले हम आपको बता दें टर्म क्या होगी, पावर क्या होगी। टर्म विद्यार्थियों प्लस और माइनस से बनती है। जैसे इसके अंदर आपकी 3 टर्म है, इसके अंदर आपकी 2 टर्म है, इसके अंदर भी आपकी 3 टर्म है, इसके अंदर आपकी 2 टर्म है, इसके अंदर एक ही टर्म है। पावर हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम पॉलिनोमियल की पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ पावर 2 है,
यहाँ पे भी पावर 2 है, इसकी पावर रहेगी विद्यार्थियों 50, इसकी पावर रहेगी 2 और इसकी पावर रहेगी 1। तो देखिए टर्म और पावर के बेस पे हम पॉलिनोमियल का टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, 3x2, 2x, 5y, 2t की पावर 3, 7, 0, ये आपके मोनोनोमियल होंगे, यानी जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन टर्म होगी। बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, जिसके अंदर दो टर्म होगी, जैसे 1, 2 टर्म यहाँ है, 1 और 2 यहाँ है, जिसके अंदर दो टर्म होगी उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग द 3 टर्म, यानी पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। जैसे इसके अंदर 1, 2, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल, ये भी 3 टर्म है ट्राइनोमियल, इसमें भी 3 टर्म, ये भी 3 टर्म, यानी 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 1 टर्म वाले को मोनोनोमियल बोलेंगे। इसके बाद होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। एक होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा विद्यार्थियों? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे ये दिया हुआ है ax प्लस b, ये बेसिक है, बेसिक जनरली हम यही लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखे तो। जैसे यहाँ ये पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यानी जिसमें पावर 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये आपका बेसिक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, डिग्री यहाँ पे आई 2 है। इसके बाद ये एग्जांपल दिए हैं, ये भी आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये आपका बेसिक फॉर्म दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी आपकी पावर 3 नहीं है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसके बाद आता है बाईक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाईक्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दी हुए हैं। तो इसी के साथ विद्यार्थियों आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है, कारण देना है। जैसे ये आपका पॉलिनोमियल है तो लिख देंगे यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी आपका पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, ये एक्स वेरिएबल में था, ये वाई वेरिएबल में है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर 1/2 दी है। ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पावर -1 होगी। ये आपका पॉलिनोमियल है पर इसने वन वेरिएबल में कहा था विद्यार्थियों, ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये 3 वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है। इसके बाद सेकेंड सम, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लिखना है। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पे हमने देखा इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं दिया, मीन 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1 आ जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1 होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर π/2 होगा, इसके अंदर एक्स स्क्वेयर है ही नहीं तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 0 होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में कहता है गिवन वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35, तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो विद्यार्थियों हमने पहले ही किया था, बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, कोई एक वेरिएबल लिखा, इसकी पावर 35 लिख दी, प्लस में जो आपका मन करे वेरिएबल लिख दीजिए, 35 पावर से कम का कोई, या कोई कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए, वो बहुत सारे एग्जांपल होगी, ये आपका बाइनोमियल है। और हम ये भी लिख सकते हैं 100,
एक्स की पावर 35 प्लस का एक्स की पावर 30 लिख दिया, ये भी आपका बाइनोमियल है। यानी बाइनोमियल का मतलब टर्म टू होनी चाहिए, वन और टू, हाईएस्ट पावर 35। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। आगे दिया है एंड ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसके बाद लिख देंगे मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोनोमियल के लिए क्या होगी, एक ही टर्म होगी, डिग्री 100 करनी है, कुछ भी ले लीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी, एज यू विश, जैसे ये भी चल सकता है आपका 100 एक्स की पावर 100, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, सिर्फ टर्म एक होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 4, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लिखेंगे आप, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसके अंदर तीन दी है तो तीन होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इसमें टू है तो टू होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इसके अंदर एक दी है तो एक होगी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया विद्यार्थियों, कोई भी वेरिएबल लगा के पावर जीरो तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। तो कॉन्स्टेंट टर्म की हमेशा डिग्री जीरो होती है, तो इसके लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। इसके बाद यहाँ पे हमें इनको क्लासिफाई करना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से लिख लेंगे, जैसे तीन कॉलम बना लीजिए, पहले हमने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने लिखा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, फिर हमने लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखते जाइए और लिखते जाइए विद्यार्थियों, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपका क्वाड्रिक होगा, क्वाड्रिक के अंदर सेकंड पार्ट लिखा, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 है तो ये आपका क्यूबिक होगा, दूसरा पार्ट क्यूबिक, सॉरी ये पहला पार्ट था विद्यार्थियों, पहला क्वाड्रिक में आएगा, दूसरा पार्ट क्यूबिक में आएगा, क्यूबिक में लिख दिया, इसके अंदर भी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है तो ये भी आपका क्वाड्रिक में आएगा, तीसरा पार्ट यहाँ इसकी पावर 1 है ये लीनियर में आएगा, फोर्थ पार्ट लीनियर में लिख दिया, इसकी पावर भी 1 है ये भी आपका लीनियर में आएगा, इसकी पावर 2 है ये आपका क्वाड्रिक में आएगा सिक्स पार्ट, और इसकी पावर 3 है ये आपका क्यूबिक में आएगा, तो यहाँ हमने ये लिख दिया। ऐसे आपकी विद्यार्थियों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।